Good morning, friends. Today, in this session, we are going to discuss the second part of this chapter, and that is nothing but it is haloarenes. Okay? This haloarenes, they can be named in terms of aryl halides also. Okay? So, the basic difference between the haloalkane and haloarene is the haloalkanes are aliphatic in natures. Okay, maybe cyclic, maybe acyclic, but the haloarenes are the aromatic in nature. Okay, so according to that haloarenes, what should be the definition for haloarenes? जैसे कि हमने haloalkane में बताया था कि अगर हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं by the halogen in the alkane, then it is considered as a haloalkane. तो यहाँ हमें क्या करना होगा? अरीन जो होगा, अरीन मतलब कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें से हमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का कोई स्केलेटन मेरे पास में है जिसे हम बेंजीन कहते हैं, एंड वी नो दैट बेंजीन कैरी एट एवरी कार्बन इट इज हाइड्रोजन. ओके, तो यहां पर इसके पास में 6 हाइड्रोजन है और उन 6 हाइड्रोजन में से सपोज हमने एक सपोज हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया. किससे रिप्लेस कर दिया? X से अगर मैंने रिप्लेस कर दिया, सो वी कैन कंसीडर दिस इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दिस इज ऑफ X, सो वी कैन कंसीडर इट इज ऑफ हैलोअरेन्स. इज इट ओके? सो इसमें भी वही चीज आएगी जैसे हमने क्लासिफिकेशन में बताया था कि एक अगर हैलोजन एटम अटैच होता है तो हम उसे मोनोहैलाइड्स कहते हैं, एक से ज्यादा होता है तो पॉलीहैलाइड्स कहते हैं, जिसमें हमने डायहैलाइड्स ट्राइहैलाइड्स वगैरह देखा था. इसी तरह से यहां पर भी हमें एग्जांपल में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि दैट इज अगर मेरे पास बेंजीन है और मैं इसे एक हैलोजन अटैच कर देता हूं, सो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ मोनोहैलाइड. अगर उस बेंजीन में मैं 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं और 2 हैलोजन में उसको अटैच कर देता हूं, तो दे कैन बी कंसीडर्ड एज अ dihalides. Okay, so in that way they may be having a trihalide, tetrahalide and all that things. If you know that in the hydrocarbon session or in the aromatic hydrocarbons, we have taken up one reaction where we replaces all the 6 hydrogen from the benzene ring by the chlorine, like this. It is having this kind of a nature. Okay, so yahan pe humne kya kar diya tha, by the help of that particular chlorine, All the 6 hydrogen from the benzene that has been replaced, substituted. ये हमने aromatic hydrocarbon जब discuss किया था, तो उसमें एक reaction हमने देखी थी, जहाँ पर हमने इसको पूरी तरह से completely hydrogens को क्या कर दिया था, replace कर दिया था. तो definition भी इसी तरह से बनेगी, जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा hydrogen को हम लोग replace करेंगे halogen से from the aromatic compound, या फिर हम example के तौर पे बता सकते हैं benzene. ठीक है? So that is nothing but what? Haloarenes. So finally we define it as a, that is one or more hydrogen atoms are replaced by the halogen atom from the arenes or aromatic hydrocarbon, then they are considered as a haloarenes. Ab example mein agar hamare paas is tarah se structure ban jata hai, it is like this Cl. तो इसे हम लोग नाम कैसे देंगे? तो नाम हम लोग इस तरह से भी दे सकते हैं. देखो अरिल ग्रुप कहा है, जैसे हमने अल्किल हैलाइड कहा था, तो अल्किल ये हमने कहा से बना लिया था, अल्केन से बना लिया था अल्किल. कैसे? कि इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं तो वो क्या बनता है? अल्किल ग्रुप बनता है. वैसे ही अगर मेरे पास में एक अरीन है, ओके, और उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन अगर निकाल दिया तो ये कौन सा ग्रुप बनता है? अरिल ग्रुप बन जाता है. ठीक है, तो यहां पर इसे हम लोग अगर नाम देते हैं तो ये बेसिकली, ठीक है, बेसिकली देखो ये जो है इसे हम लोग अगर इस तरह से लिखते हैं, ये है इसका पैरेंट कंपाउंड जिसे हम लोग लिख सकते हैं C6H6. इसका मतलब ये क्या बना? बेंजीन. तो ये बन गया अरीन. ठीक है, इसमें से मैंने क्या कर दिया? एक हाइड्रोजन निकाल लिया, तो यहां पर एक कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी, एक हाइड्रोजन कम हो गया. तो बेंजीन का बेंजीन नहीं बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बना? C6H5. और C6H5 को हम लोग जनरली नाम देते वक्त क्या बताते हैं?
नेम इट एज अ फिनिल ग्रुप. ओके, अब इस फिनिल ग्रुप को मैंने क्या अटैच कर दिया, सीएल अटैच कर दिया. तो फिनिल ग्रुप को सीएल अटैच कर दिया तो ये क्या बनता है, फिनिल क्लोराइड. देखो इस तरह से नाम आ गया अरिल हैलाइड एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, फिनिल क्लोराइड. इज इट ओके? अगर इसे हम हेलो अरिल्स के तौर पे नाम देते हैं, तो हेलो अरिल्स के तौर पे अगर नाम देते हैं तो फर्स्टली वी विल टेक आउट दैट इज ऑफ हेलो, दैट मींस व्हाट, इट इज क्लोरो. ओके, अब अरिल्स माने हम लोग फिनिल नहीं लेंगे, अरिल्स माने कौन होगा, अरिल्स माने बेंजीन, ठीक है ना. तो ये उसका हो गया पैरेंट कंपाउंड दैट इज बेंजीन, दैट बिकम्स क्लोरो बेंजीन. आपको ज्यादातर ये नाम आपको लिटरेचर में मिलेगा, फिनिल क्लोराइड से भी ज्यादा जनरली यूज किया जाता है क्लोरो बेंजीन का भी. कंफर्टेबल होता है कि बेंजीन है और बेंजीन पे एक क्लोरीन अटैच है तो दैट बिकम्स अ क्लोरो बेंजीन, ठीक है. सो दैट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ नोमेनक्लेचर. लेकिन इसमें आप देखो ये नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा और एक पार्ट डिफरेंट हो सकता है, कैसे कि अगर ये मोनोहैलाइड है देन इट इज ओके, लेकिन अगर डायहैलाइड बन जाते हैं तो फिर क्या करना होता है. तो वी हैव स्टडीड दैट इज नोमेनक्लेचर इन द एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने ये देखा था कि अगर समझो ये क्लोरीन है और इस क्लोरीन को एडजेसेंट पोजीशन पे भी एक क्लोरीन है, ओके? तो हमने इन दोनों में से, दोनों क्लोरीन होने की वजह से दे आर द सेम फंक्शनल ग्रुप, तो कोई भी एक पर्टिकुलरली हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज अ फर्स्ट पोजीशन एंड दैट बिकम्स अ सेकेंड पोजीशन. तो इसे अगर नाम देना है तो वी कैन कंसिडर इट इज 1,2-dichlorobenzene. देखो हेलो अरिल्स के तौर पे दैट इज बेंजीन, और अगर हमें इसको नाम देना है और दूसरी तरीके से सो वी कैन कंसीडर इट इज ऑर्थो. देखो ऑर्थो पोजीशन पे है ना, ये अगर कंसीडर कर दिया पैरेंट पोजीशन तो ये क्या बनी इसकी एडजेसेंट ऑर्थो पोजीशन, और इसके इसके कंपैरिजन में ये भी क्या बनी ऑर्थो पोजीशन बनती है. तो दैट इज ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, है ना, बिकॉज बोथ द क्लोरीन आइटम ऑर्थो टू ईच अदर, सो दैट इज वाई दे कैन बी नेम एज ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन. ओके, इसी तरह से अगर कोई दूसरा हम लोग डिफरेंट अगर ले लेता है हैलोजन्स, तो समझो क्लोरीन ले लिया और एक ले लिया मैंने ब्रोमीन, ठीक है. तो अब ये ऑर्थो टू ईच अदर है, लेकिन विच विल गो विद द फर्स्ट वन विच विल गो विद द सेकंड, सो जनरली अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग फॉलो करेंगे. So we will go with this one, that is of first position, this is of second position. So we are having what? 1-bromo-2-chloro-benzene. Is it okay? 1-bromo-2-chloro-benzene. या फिर इसे हम लोग ऑर्थो टू ईच अदर अगर कहते हैं तो उस हिसाब से ये क्या होगा, ऑर्थो ब्रोमीन के कंपैरिजन में क्लोरीन क्या बना, सब्स्टिट्यूएंट बन गया या फिर सेकेंड पोजिशन पे आ गया. तो हम लोग इसे इस तरह से भी नाम दे सकते हैं, दैट इज ऑर्थो क्लोरो ब्रोमो बेंजीन या फिर ऑर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन. ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ना ये नोमेनक्लेचर. सो बेटर वे जब यहाँ पर आपको इस तरह का कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है, दो सब्स्टिट्यूएंट आते हैं दोनों डिफरेंट है, तो देन यू जनरली गो विद द आईयूपीएसी टाइप ऑफ सिस्टम, दैट इज 1-bromo-2-chloro-benzene, ठीक है. ये बहुत स्पेसिफिक बनता है, इससे हमें पोजिशन और स्ट्रक्चर आसानी से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. So, ये बनता है इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर. अब इसमें और नोमेनक्लेचर में अगर हम लोग देखते हैं तो नोमेनक्लेचर में जनरली तीन पोजीशंस बेंजीन की बन जाती है, ठीक है. सो इफ आई गो विद दिस वन, ये बन गया क्लोरीन, तो ये जो पोजीशन बनी ये पोजीशन हम लोग जनरली बताते हैं ऑर्थो, दिस इज व्हाट मेटा एंड दैट इज व्हाट इट इज अ पैरा पोजीशन, है ना. तो जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो उस हिसाब से हम उसको ऑर्थो मेटा एंड पैरा इस तरह से नाम दे सकते हैं, ठीक है. सो बेसिकली द हेलो अरिल्स आर नथिंग बट व्हाट, दे आर हैविंग अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर वेयर द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच द हाइड्रोजन गेट रिप्लेसेस बाय द हैलोजन. सो देयर मे बी अ पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी दैट वन और मोर हाइड्रोजन मे गेट रिप्लेसेस, सो दे कैन फॉर्म अ मोनोहैलाइड एंड पॉलीहैलाइड्स ऑल्सो एज दे आर द कंपाउंड्स विच आर द एरोमेटिक. So if suppose we consider the benzene ring, we are having a that kind of a nomenclature regarding the position either in terms of common name system or IUPAC system. So it may be in terms of ortho, meta, para or in terms of their positions 1, 2, 3, 4 like this. Okay. Okay. So this is what exactly the haloarenes. Okay. Now haloarenes mein sabse important baat ye hoti hai ki jab hum log uski reactivity ke bare mein sochte hain
तो रिएक्टिविटी के बारे में सोचते वक्त, जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर हेलो अरेन्स ये रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट करता है तो रिएक्टिविटी दैट इज वेरी स्पेसिफिक अबाउट दिस हेलो अरेन्स। ओके, कैसे कि अगर किसी बेंजीन रिंग को क्लोरीन अटैच होता है या फिर कोई भी हेलोजन अटैच होता है तो हर हेलोजन को एक बॉन्ड होता है और उसपे क्या होती है, तीन लोन पेयर होती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, तीन लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है और ये जो बेंजीन रिंग होती है इसके जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो किस में होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं। एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द रेजोनेंस ऑफ द बेंजीन। ठीक है, द रेजोनेंस ऑफ द पाई बॉन्ड इन द बेंजीन, दे आर कंटिन्यूअसली दे आर इन अ मूवमेंट और द डीलोकलाइजेशन। सो नेचुरली ऑल द कार्बन आइटम दे आर हैविंग अ पाई बॉन्ड, दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर, सो नेचुरली दे आर ट्राइंग टू टेक अप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरीन। ओके, तो ये क्लोरीन यहाँ पर बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं इट इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस हिसाब से उसकी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, एक्टिवेट हो जाती है मतलब क्या होता है कि नेचुरली जब ये पर्टिकुलरली लोन पेयर इस रेजोनेंस में आएगी तो रेजोनेंस में आने के बाद में यहां पर पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन इस तरह से होता है, तो ये कौन सी पोजीशन बनी, ऑर्थो, दिस इज एडजेसेंट, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है। ठीक है, उसके बाद में ये वाली पोजीशंस इस तरह से बनेगी, दैट इज अगेन ऑफ नेगेटिव लाइक दिस। ठीक है, तो ये जब जिस तरह से जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो ये जो डबल बॉन्ड बनने वाला था ये वापस से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मेटा पोजिशंस पे कहीं पर भी यहाँ पे निगेटिव चार्ज नहीं आता है। एक्चुअली निगेटिव चार्ज जो आता है वो कौन से पोजिशंस पे आता है, दैट विल कम्स ऑन द पोजिशन ऑफ ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशन। ठीक है, मैंने एक ही इसमें वो पूरा दिखा दिया आपको, एक्चुअली वो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप अगर हो भी जाता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग दिखाते हैं, तो वी आर हैविंग अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्लोरोबेंजीन एंड वी आर हैविंग अ नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा सो नेचुरली दैट बेंजीन कैरी, इट कैरी व्हाट, अ नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो बिकॉज ऑफ द क्लोरीन दैट पर्टिकुलर बेंजीन रिंग बिकम्स अ रिंग बिकम्स एक्टिवेटेड, द रिंग इज एक्टिवेटेड एंड द रिंग इज एक्टिवेटेड फॉर व्हाट, फॉर द फर्दर रिएक्शन, और उसमें कौन सी रिएक्शन होगी। देखो यहाँ पर किसका अटैक पॉसिबल है, अगर ये निगेटिव चार्ज में पोजिशन आती है तो यहाँ पर किसका अटैक पॉसिबल है, पॉजिटिव चार्ज का अटैक पॉसिबल है, और पॉजिटिव चार्ज माने कौन होता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। सो नेचुरली द रिंग इज एक्टिवेटेड और वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से हो सकती है। इज इट क्लियर, तो ये देखो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट इसमें आता है कि जब भी हम लोग बेंजीन को कोई हैलोजन अटैच करते हैं दूसरा कोई फंक्शन ग्रुप नहीं चाहिए, हम हैलोजन की बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द हेलो अरेंज। ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप होगा दैट इज हैलोजन। अगर हैलोजन अटैच है तो हैलोजन किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो बेंजीन रिंग क्या हो जाती है, इट कैरियर निगेटिव चार्ज है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, बिकॉज ऑफ दैट द रिंग इज एक्टिवेटेड एंड एज द रिंग इज एक्टिवेटेड एंड बिकॉज ऑफ द निगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन गेट डीलोकलाइजेस, दैट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन गेट एक्टिवेटेड और जो भी इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करेगा वो या तो ऑर्थो पोजिशन पे या फिर पैरा पोजिशन पे क्या कर सकता है, अटैच हो सकता है। लेकिन जब ये इस पे अटैच होगा तो यहाँ पर जनरली यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो हम लोग मैकेनिज्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन यू गो फॉर द कन्वर्शन of the halo arenes into something, so take care of that, it is of orthopara directing, ठीक है, and basically it undergo what, electrophilic substitution reactions, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट की तरह हो गया, अब हम लोग थोड़ा सीक्वेंस से करते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस में सबसे पहले हम लोग कैरी करेंगे दैट इज प्रिपरेशन, हाउ यू कैन प्रिपेयर दैट इज ऑफ हेलो अरेन्स। हेलो अरेन्स को हम लोग प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, तो वी जनरली नीडेड अ पर्टिकुलर स्केलेटन दैट इज ऑफ बेंजीन,
हम लोग सबसे पहले बेंजीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये बेंजीन से हम हेलो अरिंग्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना ये होगा कि हमारे पास सपोज ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब अभी जैसे मैंने बताया कि बेंजीन को अगर हमें हेलो अरिंग में बेंजीन मतलब हेलो बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो नेचुरली आई हैव टू रिमूव वन ऑफ द हाइड्रोजन एंड इट मस्ट बी रिप्लेसेस विद द हेल्प ऑफ हैलोजन। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने हाइड्रोजन को निकाल दिया, एक वैलेंसी क्या हो गई उसकी, ओपन हो गई, ठीक है। तो यही पे बता देते हैं, जैसे कोई H2 का इस पे अटैक हो गया तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या अटैच हो गया, H, और यहाँ पे क्या निकल गया, HX निकल गया। तो ये चीज को हमें करना होता है, ठीक है। क्या करना होगा, हमें बेंजीन को किसी हैलोजन के साथ में रिएक्ट करना होगा ताकि वहां पे H निकल जाए, ठीक है। H अगर निकल जाता है तो वहां पे H की जगह क्या होगा, X का सब्स्टिट्यूशन होगा और ताकि वो हमें हेलो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाए। देखो मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, दैट इज बेंजीन, ओके, एंड दैट इज व्हाट हेलो बेंजीन, ठीक है, दैट इज कंसीडर्ड एज अ हेलो बेंजीन। तो ये प्रोसेस होगी कैसे, तो प्रोसेस के लिए हमारे पास में जैसे हमने अल्केन में क्या किया था, देखो अल्केन में हमने हेलो अल्केन बनाने के लिए अल्केन पे हमने क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करके देखा था, तो इसमें भी हम लोग वही चीज करके दिखेंगे। वी विल गो फॉर द हैलोजिनेशन ऑफ द बेंजीन, ठीक है। तो ये प्रोसेस में हमें करना क्या है, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में भी हमें क्या करना होगा, पर्टिकुलरली वी विल गो विद द क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। चलो ठीक है, हम करके देखते हैं। देखिए, इफ सपोज आई गो फॉर दिस काइंड ऑफ रिएक्शन बेंजीन विद क्लोरीन। अब क्लोरीन की रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है, either in terms of ultraviolet light या peroxide sunlight की presence में भी हो सकती है या फिर Lewis acid की presence में भी हो सकती है, that we can consider AlCl3 and FeCl3। यहाँ पर हमें एक ही क्लोरीन का substitution करना है, इसकी वजह से हमें chain reaction नहीं चाहिए। so chain reaction अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम लोग क्या use करेंगे, Lewis acid use करेंगे। Lewis acid में either you can use FeCl3 और AlCl3 and both must be anhydrous। ये और में आता है ना, ये और है, either you can use AlCl3 either FeCl3। चलो इनमें से मैं एक ही लिख लेता हूं कोई भी, ठीक है। सो दैट इज ऑफ AlCl3 मैंने लिख लिया और ये मुझे कैसे चाहिए, अनहाइड्रस चाहिए, ठीक है। अब ये AlCl3 क्या करेगा, Cl2 का ब्रेकिंग करेगा, कैसे ब्रेकिंग करेगा, Cl पॉजिटिव और Cl निगेटिव इस तरह से ब्रेकिंग करेगा और इसमें से ये AlCl3 किसको लेके चला जाएगा, Cl नेगेटिव को लेके चला जाएगा, क्योंकि इसके हमने क्या बताया था, हैलोजन कैरियर, ओके। सो इट इज अ हैलोजन कैरियर, ये लेविस एसिड है, एसिड है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सो नेचुरली इलेक्ट्रॉन भी कन्वर्टेड इनटू लाइक दिस, दैट इज AlCl4 नेगेटिव। ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, AlCl4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास में, Cl पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, डिफिशियंट होने के कारण ये किस पे अटैक करेगा, ये करेगा पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा बेंजीन के, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम थोड़ा और डिटेल में लिखते हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो कैसे, अगर हमें ये रिएक्शन करनी है, दैट इज Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, सो दैट इज ऑफ अनहाइड्रस, टेक केयर ऑफ दिस वन, सो आफ्टरवर्ड्स इट इज कन्वर्टेड इनटू दिस Cl, ठीक है। और यहाँ पे और क्या मिलेगा, HCl। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक थोड़ा मैकेनिज्म के तौर पे देख लेते हैं ये कैसे हुआ। सबसे पहले होगा ये कि ये जो Cl-Cl बॉन्ड है, ये Cl-Cl बॉन्ड कौन ब्रेक करेगा, AlCl3 ब्रेक करेगा, क्या बनाएगा यहाँ पे, Cl पॉजिटिव और AlCl4 निगेटिव बना देगा, ठीक है। तो ये जो Cl पॉजिटिव है, ये Cl पॉजिटिव आफ्टरवर्ड्स इट विल अटैक ऑन दैट इज बेंजीन, बेंजीन पे ये अटैक करेगा। जैसे ही ये बेंजीन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, एक पॉजिटिव बनेगा एक निगेटिव बनेगा। जो पॉजिटिव बनेगा उसके साथ में तो पॉजिटिव अटैच नहीं होगा, लेकिन जो निगेटिव बनेगा उसके साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अगर बना लिया इस तरह से, देखो ये Cl मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है, ये Cl मैंने अटैच कर दिया। तो ये Cl अगर यहाँ पर अटैच होता है तो ये क्या बना, निगेटिव, ये क्या बना, ये बन गया पॉजिटिव इस तरह से, ओ ठीक है। तो ये यहाँ पे पाई बॉन्ड, अब इसे अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो इसे क्या करना होगा, ये बेंजीन का जो रेजोनेंस होता है, ये रेजोनेंस उसकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसे अगर फिर से यहाँ पे रेजोनेंस बनाना है तो यहाँ पे क्या बनाना होगा, पाई बॉन्ड।
और पाई बॉन्ड बनाने के लिए वो क्या करेगा, देखो पाई बॉन्ड बनाने के लिए यहां पर जहां पर सीएल ने अटैक किया था वहां पे ऑलरेडी अभी क्या है, एच है ना, यहां पर एच है तो यहां पर सीएल का अटैक हो गया बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दिस पाई बॉन्ड। ठीक है, अब ये एच क्या होगा, ये एच यहां से निकल जाएगा, ये एच जैसे ही यहां से निकलेगा सो इट विल गोस इन दिस वे लाइक दिस। देखो यहां पे मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूं आपको कैसे, ये देखो यहां पे कौन है, एच है, यहां पे कौन है, सीएल। ये अगर मैंने ब्रेक कर दिया तो एच कैसे निकलेगा एज अ पॉजिटिव, तो ये कार्बन क्या बनेगा, निगेटिव, बराबर है। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर ब्रेकिंग हम लोग कर लेते हैं तो यहां पर देखो अगेन वी विल गो विद दिस वन, यहां पर लिख लेता हूं ताकि वो आप देख सको। देखो ये यहां पर क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है Cl, और ये H यहाँ से निकल जाएगा बिकॉज पॉजिटिव चार्ज को क्या करना होता है, स्टेबल करना होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर बनेगा ये वाला बेंजीन। ठीक है, और ये बेंजीन पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कौन, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे कौन है Cl, और ये पाई बॉन्ड जैसे है वैसे। ठीक है, अब पॉजिटिव और निगेटिव में क्या बन सकता है, बॉन्ड बन सकता है, सो पॉजिटिव निगेटिव में जैसे ही बॉन्ड बनेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और जैसे डबल बॉन्ड बनेगा तो रेजोनेंस वापस आ गया। ठीक है, तो ये हुआ एक्चुअली बेसिकली द मैकेनिज्म जहां पर सीएल टू जब इस पर अटैक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर सीएल थ्री तो हमें मोनो हैलाइड्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द हैलोजिनेशन ऑफ द बेंजीन। ऐसे ब्रोमिनेशन में होगा, ब्रोमिनेशन में क्या करना होगा आपको, ब्रोमिनेशन में सिर्फ आपको क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लेना है। ठीक है, दैट इज Br2, लेकिन ब्रोमिनेशन जनरली जो किया जाता है वो अनहाइड्रस FeBr3 के प्रेजेंस में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किस तरह का बनेगा, ये इस तरह का बनेगा, देखो दैट इज ऑफ ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या बनेगा HBr, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे सिर्फ क्या लेना होगा, Br2 की जगह हमें क्या, सॉरी Cl2 की जगह Br2 लेना होगा, और HClC3 की जगह क्या लेना होगा, FeBr3 लेना होगा। ठीक है, बाकी पूरा मैकेनिज्म एज इट इज रहेगा, Cl पॉजिटिव की जगह Br पॉजिटिव अटैक करके बेंजीन को सब्स्टिट्यूट कर लेगा। इज इट ओके? ठीक है, तो ये पहली स्टेप होगी जहां पे हम लोग हैलो अल्केन अरेंज बना सकते हैं, हैलो अरेंज बना सकते हैं। इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज कंसीडर्ड एज अ क्लोरो बेंजीन, क्योंकि बेंजीन पे क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन है, तो इट इज कंसीडर्ड एज अ क्लोरो बेंजीन। व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज कंसीडर्ड एज अ ब्रोमो बेंजीन। चलो ठीक है, ये एक प्रिपरेशन हुई जहां पर हमने डायरेक्ट बेंजीन पे ही क्या कर लिया, हैलोजिनेशन कर लिया। हम सेकेंड प्रिपरेशन में जाते हैं, सेकेंड प्रिपरेशन में हमें हम टोलिन से, ठीक है, टोलिन से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास में बेंजीन भी होगा, बेंजीन में साइड चेन में हाइड्रोकार्बन भी रहेगा, और उस पे हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करके देखेंगे। ठीक है, सो सेकंड पार्ट इट इज फ्रॉम टोलिन, सो दिस इज फ्रॉम द टोलिन। ठीक है, अब फ्रॉम टोलिन, दिस इज टोलिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, टोलिन माने ये इस तरह से होते हैं, मिथाइल बेंजीन जिसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का मतलब होता है That is, benzene पे methyl का substitution हो गया है, ठीक है, and that is generally considered as a toluene, ठीक है। अब एक बात फिर से, यही हमें एक concept फिर से use करना हो कि जब हमने benzene पे substitution किया तो उसपे कोई already functional group नहीं था, लेकिन जब हमने benzene पे already एक substitute लगा दिया है तो हमने अभी बताया कि जब भी कोई substituent benzene पे होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो वो जनरली रिएक्शंस कहाँ पर डायरेक्ट करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे वो जनरली रिएक्शन को डायरेक्ट करता है। तो इसका मतलब इस पे मैं अगर क्लोरीनेशन करूं तो क्लोरीनेशन बेंजीन पे किसी भी साइड पे होगी, नो इट्स नॉट पॉसिबल, CH3 विल डिसाइड कि ये पोजीशंस कौन सी दैट Cl विल गेट ऑक्युपाई, मतलब ये Cl कौन सी पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, CH3 पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। अब CH3 कौन है, CH3 है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है इसका मतलब यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्टिवेट। तो क्लोरीनेशन कहाँ पॉसिबल है, ऑर्थो पे भी पॉसिबल है, पैरा पे भी पॉसिबल है, तो हमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए लाइक दिस। देखो यहाँ पे CH3 एक प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, क्लोरीन का ऑर्थो पोजीशन पे होगा, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, पैरा पोजीशन पे होगा। ठीक है, सो दैट इज ऑफ CH3 एंड Cl।
अब हमें इसको अगर बैलेंस करना है तो देखो हमारे पास में बेंजीन रिंग कितनी है, दो है, तो दैट इज टेकन एज अ ट्वाइस, ठीक है। अब सीएल सीएल हमने यहाँ पे तो यूज कर लिया, तो लेकिन यहाँ से फिर एक बार हर बेंजीन से कौन निकला है, एच निकला है, एच की जगह कौन आया है, सीएल, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ एच सीएल, तो दो सीएल यहाँ पे, दो सीएल यहाँ पे, तो ये लगा ट्वाइस ऑफ सीएल। फिर से एक बार जब हमें क्लोरीनेशन करना है तो हमें कुछ ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा, क्लोरीनेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, अनहाइड्रस AlCl3 हम लोग यूज कर सकते हैं, इज इट ओके। सो दिस इज जनरली कंसीडर्ड एज व्हाट, अ सब्स्टिट्यूशन। अब इसका नाम क्या देंगे हम लोग, देखो ये तो कंसेप्ट क्या बना, टोलीन वाला कंसेप्ट बन गया, तो मैं पहले लिख लेता हूँ ये टोलीन है। अब टोलीन में CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो पैरेंट कंपाउंड वाला है, तो इसके कंपैरिजन में ये पोजीशन क्या बनी, ऑर्थो, बराबर है, ये बन गई फर्स्ट पोजीशन, ये बन गई सेकंड पोजीशन, ये एडजेसेंट है तो ये बन गई ऑर्थो, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑर्थो क्लोरो टोलीन, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, टू क्लोरो एंड दैट इज ऑफ टोलीन, इस तरह से हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन कैसे बनी, ये है इसकी पैरेंट पोजीशन 1, 2, 3 एंड 4, तो ये पोजीशन कौन सी बनी, फोर पोजीशन बन गई, फोर पोजीशन बन गई, मतलब ये क्या बना, फोर क्लोरो टोलीन बन गया, है ना। या फिर ऑर्थो पैरा के टर्म में अगर नाम देते तो ये पोजीशन इसकी क्या बन गई, पैरा पोजीशन बन गई, तो नेचुरली ये क्या बना, पैरा क्लोरो एंड दैट इज ऑफ टोलीन, ठीक है। तो आपका पैरेंट कंपाउंड तो टोलीन है, उस पर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो सब्स्टिट्यूट किया है वो क्लोरीन का कर दिया, फिर उसके सामने उसकी क्या लिखना है, पोजीशन लिखना है। अगर वो सेकेंड पोजीशन पे है तो टू लिखो या फिर ऑर्थो लिखो, अगर वो फोर्थ पोजीशन पे है तो वो फोर लिखो या फिर पैरा लिख दो, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द प्रिपरेशन फ्रॉम टोलीन, इसका प्रिपरेशन कर लिया। फिर से इसे भी हम लोग हेलो अरेंज कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेंजीन का सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब उसे हेलो अरेंज अरेंज है ना, अरेंज का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, ये देखो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें बेंजीन है, बेंजीन कैसा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो इसे हम लोग हेलो अरेंज कह सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हम लोग अगर हाइड्रोजन को हैलोजन से सब्स्टिट्यूट करते हैं देन इट इज कंसिडर्ड एज अ हेलो अरेंज, ठीक है। तो ये बनती है सेकंड प्रिपरेशन, इज इट ओके। सो दैट इज पहली प्रिपरेशन कहां से थी, बेंजीन से थी, बेंजीन का हमने क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन कर लिया, यहां पर हमने टोलीन से प्रिपेयर कर लिया, टोलीन पे भी हमने क्या कर लिया, देखो क्लोरीन का रिएक्शन कर लिया, तो क्या बना, क्लोरीनेशन हो गया, क्लोरीनेशन हो गया तो ये क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड बन गया, सो दैट इज अगेन ऑफ क्लोरीनेशन, मतलब दोनों रिएक्शंस में हमने हैलोजिनेशन कर दिया, सिर्फ रॉ मटेरियल हमने बदल दिया, पहले इसमें हमने बेंजीन ले लिया, दूसरे इसमें हमने टोलीन ले लिया, टोलीन इसलिए ले लिया क्योंकि ये एक अच्छा एग्जांपल है जहां पे आप पोजीशन डिफाइन कर सकते हो कि कहां पर वो रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। फाइन, तो तीसरी हम लोग अगर रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन इट इज एक्चुअली नेम रिएक्शन, रिएक्शन इट इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन, देखो ये नेम रिएक्शन है। अब इसमें होता क्या है, तो सैंडमेयर रिएक्शन में जनरली होता ये है कि आपके पास में जो रॉ मटेरियल होता है, ये रॉ मटेरियल ये इस तरह का होता है, देखो यू मस्ट नो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एनिलीन, राइट। सो दिस इज व्हाट, एनिलीन, ये एनिलीन जो है, इस एनिलीन को पहले डाई अजो कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर प्रोसेस कौन सी होगी, डाई अजोटाइजेशन वाली प्रोसेस होगी। अब डाई अजोटाइजेशन प्रोसेस करना है तो क्या यूज करना होगा, तो डाई अजोटाइजेशन के लिए यहां पे मैं लिख लेता हूं, देखो डाई अजोटाइजेशन अगर प्रोसेस करनी है तो डाई अजोटाइजेशन के लिए एक मिक्सचर यूज किया जाता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड NaNO2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है, नाइट्रस एसिड एंड दी HCl, ये दोनों मिलाकर एक हमें रिएजेंट बना के देते हैं, एंड दैट इज HNO2, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये जो बनता है दैट इज एक्चुअली क्या, इसे कहते हैं नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक नहीं, नाइट्रिक माने HNO3, नाइट्रस माने दैट इज HNO2, ठीक है। ये नाइट्रस एसिड हम यूज करेंगे, तो मैं यहां पे इस तरह से लिख लेता हूं, दैट इज ऑफ NaNO2 प्लस HCl। अब NaNO2 प्लस HCl मतलब क्या, HNO2, ये रिएक्ट होने वाला है, ठीक है। और डायजोनाइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फिर ये रिएक्शन मिक्सचर यूज करेंगे NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। और डायजोनाइजेशन होता है मतलब डायजो ग्रुप बनेगा, डायजो ग्रुप का स्ट्रक्चर मतलब N2 ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा कि NH2 जो ग्रुप है दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द डायजो ग्रुप इन टर्म्स ऑफ लाइक दिस N2 पॉजिटिव एंड दैट इज ऑफ Cl विद नेगेटिव चार्ज। तो ये प्रोसेस होती है डायजोनाइजेशन, जिसमें NH2 मतलब प्राइमरी अमाइन जो होता है NH2 ग्रुप को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, डाइअजोनियम साल्ट में कन्वर्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ
डायज़ोटाइज़ेशन एंड बाय यूजिंग व्हाट NaNO2 plus HCl, दोनों भी कैसे चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, ठीक है, दोनों भी कैसे चाहिए, इक्विमोलर चाहिए, 1:1 प्रोपोर्शन में हम लोग लेते हैं और उस हिसाब से वो नाइट्रस एसिड। लेकिन डायज़ोटाइज़ेशन प्रोसेस एक टेम्परेचर लिमिट भी दिया है, दैट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब आइस कोल्ड कंडीशन में जनरली ये प्रोसेस होती है। आइस कोल्ड कंडीशन में अगर डायज़ोटाइज़ेशन करते हैं तो प्राइमरी अमाइन जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, डायअज़ो ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बना आपका रॉ मटेरियल राइट नाउ, ये एनिलीन से हमने ये यहाँ पे क्या बना दिया, देखो ये फिर से मैं इसका नाम लिखता हूँ, देखो ये बेंजीन है, ये बेंजीन पे डायअज़ो ग्रुप है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये क्या बना अमोनिया बन गया, ठीक है, और ये क्या बना पॉजिटिव लिख लिया मैंने इस पे, तो ये क्या बना अमोनियम आयन बन गया वो। सो दैट इज द केस कि नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसे कहा जाता है, देखो दैट इज ऑफ बेंजीन, बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज किस पे आ रहा है, नाइट्रोजन पे, तो हम लोग नाइट्रोजन के कौन से फॉर्म में है, N2 मतलब डायअज़ो, सो इट इज कंसीडर्ड एज अ व्हाट, डायअज़ोनियम, एंड दैट इज उसके साथ और कौन है, क्लोरीन, सो दैट इज क्लोराइड, और ये क्या बनता है साल्ट। अब इसे साल्ट क्यों कहा जाता है, साल्ट जनरली एसिड एंड बेस के रिएक्शन से बनता है। तो ये एनिलीन जो होता है ये कौन से नेचर में होता है, बेसिक, ये बेसिक नेचर में क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो लोन पेयर होती है वो आसानी से डोनेट कर सकता है, सो दैट इज व्हाई इट इज अ बेसिक इन नेचर। और आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, उसके साथ रिएक्ट क्या कर रहे हो, नाइट्रस एसिड, तो एसिड और बेस की रिएक्शन अगर होगी तो क्या बनेगा, साल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो सैंडमैन रिएक्शन यहां से मैंने स्टार्ट तो कर ली, लेकिन एक्चुअली सैंडमैन रिएक्शन यहां से बनती है, ये कैसे बनता है इसके लिए मैंने ये प्रोसेस आपको बता दिया, ठीक है। अब ये जो रॉ मटेरियल हमारे पास में बना है इससे हम लोग बना लेंगे अब हेलो अरेंज। अब ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, देखो कैसे हेलो अरेंज अगर बनाते हैं तो हमने बताया था कि हेलो अरेंज में हेलो ये ही ग्रुप चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, लेकिन इसमें एक ग्रुप है कौन सा बोला, डायज़ो, तो उसको निकालना पड़ेगा, डायज़ो ग्रुप को निकालो और उसकी जगह हेलोजन अटैच कर लो, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द हेलो बेंजीन में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए हुआ होता ये है कि जैसे मैं दो रूट्स लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दो रूट्स में मैंने क्या कर दिया, अब इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को, इस रॉ मटेरियल को मैंने पहले किसके साथ ट्रीट कर दिया, HCl के साथ ट्रीट कर दिया, और साथ में मैंने क्या ले लिया, Cu2Cl2 मतलब कॉपर का साल्ट ले लिया। अब HCl प्लस Cu2Cl2 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सीधा ये सब्स्टिट्यूशन बन मिल जाता है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द HCl यूज कर लिया या फिर Cu2Cl2 यूज कर लिया, सो दैट इज व्हाई इट विल बी क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, दैट इज क्लोरोबेंजीन बन जाता है, और यहाँ पे क्या निकल जाता है, N2 जो है डायज़ो ग्रुप जो है वो गैस के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। वही अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ HCl यूज कर लिया और उसके साथ कॉपर यूज कर दिया, ठीक है, तो दो रिएक्शंस में लिख रहा हूं एक ही मटेरियल से, एक में मैंने HCl और कॉपर का क्या कर लिया, साल्ट यूज कर लिया, Cu2Cl2, और दूसरे इसमें मैंने क्या कर लिया, देखो HCl यूज कर लिया लेकिन उसके साथ में सिर्फ कॉपर, उसका साल्ट नहीं यूज किया, सिर्फ क्या यूज कर लिया, कॉपर यूज कर लिया, तो यहां पर भी मुझे वही प्रोडक्ट मिल रहा है, देखो Cl और फिर से जो डायज़ो ग्रुप रहेगा वो किस फॉर्म में निकल जाएगा, N2 गैस में निकल जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्शन में देखो कंडीशन अलग अलग है, यहाँ पे मैंने कॉपर का साल्ट यूज कर लिया, यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉपर यूज कर लिया, हालांकि प्रोसेस में रॉ मटेरियल एक ही है, प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन कंडीशंस अलग अलग बनती है, ठीक है, फाइन। तो इसे मैं एक थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देता हूं, ये जो रिएक्शन हमारे पास में आ रही है इस रिएक्शन को मैं नाम दे देता हूं सैंडमेयर रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन बनी, सैंडमेयर रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है जहां पर मैंने HCl और सिर्फ कॉपर यूज किया, कॉपर का साल्ट नहीं यूज किया है, उसे मैं नाम दे देता हूं दैट इज कंसिडर्ड एज अ गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो आपके पास में एट द सेम टाइम दो रिएक्शन आ गए, मैंने एक्चुअली हेडिंग लिखा था सैंडमेयर रिएक्शन, लेकिन मैं अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, यहाँ पे मैं दोनों रिएक्शन आपको बता देता हूँ एट द सेम टाइम जहां पे हमारे पास में हेलो अरेंज बन सकता है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, देखो क्या हो रहा है, हमारे पास में रॉ मटेरियल कौन है, एनिलीन है, एनिलीन को अगर हमें क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तो ये रूट में से लाना पड़ेगा, ठीक है। तो एनिलीन का पहले क्या कर दिया, डायज़ोटाइज़ेशन किसके हिसाब से, NaNO2 plus HCl, कंडीशन क्या बनी, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस आइस कोल्ड कंडीशन, ठीक है। क्या हो गया, डायज़ो ग्रुप बन गया, NH2 का कन्वर्शन काय में हो गया, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में हो गया, ठीक है। ये डायज़ो ग्रुप जो बना है उसका रिएक्शन किसके साथ कर दिया, फिर सेकंड स्टेप में HCl और कॉपर का साल्ट, जिसका सब्स्टिट्यूशन करना है उसी का साल्ट देना है,
अगर मुझे क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करना है तो मैं क्या लूंगा, CO2 Cl2, ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन करना है तो क्या लूंगा, CO2 Br2, और HCl की जगह क्या ले रहा हूं, HBr, ठीक है। सो इस तरह से अगर हम लोग रिएजेंट लेते हैं तो ये रिएक्शन को क्या कहा जाता है, साइनमेर। और यहां पर हमने क्या कर लिया, प्योर कॉपर यूज कर लिया लेकिन HCl के साथ में रिएक्शन कर ली तो नेचुरली क्लोरीनेशन होगा, तो उस हिसाब से ये कौन सी रिएक्शन बनी, गटरमैन रिएक्शन। तो इसको ध्यान में रखने के लिए इस तरह से ध्यान में रखो, जहां पर कॉपर का साल्ट यूज हो गया वहां पे कौन, साइनमेर रिएक्शन, जहां पे प्योर कॉपर यूज होता है वो कौन, गटरमैन रिएक्शन, बाकी चीजें एज इट इज। रॉ मटेरियल सेम है, प्रोडक्ट भी सेम मिलेगा दोनों इसमें, ठीक है। सो दिस इज अगेन द नेक्स्ट नेम रिएक्शन, एक बनती है साइनमेर रिएक्शन और दूसरी बनती है गटरमैन रिएक्शन, इज इट ओके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ द हैलोजन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द प्रिपरेशंस, ठीक है। इसको रिपीटेडली आप प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस में रखो तो आपके ध्यान में रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन, ठीक है। अब हम जाते हैं केमिकल रिएक्शंस में, द सेकंड पार्ट, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा, देखो केमिकल रिएक्शंस में हमें करना ये होगा कि हमारे पास में अगर कोई हैलो अरीन है तो उसे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना होगा। केमिकल रिएक्शन में हमें हैलो अरीन तो हमने अभी बना लिए, अब हैलो अरीन से हम लोग नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो देखो द थिंग इट इज दैट कि जब भी मेरे पास में सपोज कोई हैलो अरीन है, ठीक है, क्लोरीन है सपोज क्लोरोबेंजीन है, उसका मैं अगर फिर से क्लोरीनेशन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3 ले लेते हैं या फिर AlCl3 जो भी है, ठीक है। सो फिर से होगा क्या कि अब ये क्लोरीन क्या बना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इस क्लोरीनेशन की वजह से ये जो क्लोरीन यहां से आएगा, ये क्लोरीन ये बेंजीन पे कहां अटैच होगा, ऑर्थोआइड पैरा पोजीशन पे। तो हमारे पास में कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, दो पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, कौन से वाले, देखो एक क्लोरीनेशन होगा ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा क्लोरीनेशन कहां होगा, पैरा पोजीशन पे, ठीक है ना। अब ये पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे ही क्यों हुआ, ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको, डोनेटिंग ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो क्लोरीनेशन कहां होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगा, ठीक है। इसमें से एक रहेगा स्टेबल प्रोडक्ट, एक रहेगा अनस्टेबल प्रोडक्ट, ये जनरली कैसे रहता है, माइनर प्रोडक्ट इसे जनरली कहा जाता है, माइनर मतलब ये कम बनता है और ये रहता है उसका मेजर, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बनती है, ठीक है। सो दैट बिकम्स व्हाट, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और ये क्या बना, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन अभी हमने जैसे बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन कर लिया वैसे हमने क्लोरोबेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन कर लिया, फर्क सिर्फ इतना था कि जब बेंजीन पे सब्स्टिट्यूशन कर लिया क्लोरीन का डाइक्लोरीनेशन तो वहां पे छह साइट्स, मतलब ये पूरी की पूरी छह साइट्स हमारे पास अवेलेबल थी, लेकिन जब क्लोरीन ऑलरेडी वहां पे सब्स्टिट्यूट है और उस पर और एक बार क्लोरीनेशन अगर करते हो तो नेचुरली ये क्लोरीन डिसाइड करेगा कि आने वाला जो क्लोरीन रहेगा वो वहां पर किस जगह पे अटैक करेगा, जहां पे रिंग एक्टिवेट होगी, जहां पे चार्ज होगा वहां पे जनरली क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पे जो H है ये H यहाँ से रिप्लेस होगा और ये H यहाँ से रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा। Is it okay? So this is what a chlorination. Ye first reaction ban gayi apni. That is of chlorination of chlorobenzene. ठीक है? जिसे हम लोग देखो monohalide से यहाँ पे क्या बना लिया हमने? Dihalides बना लिए. ठीक है? Monohalide से dihalide बना लिए. दूसरी reaction हमारे पास में रहेगी इस तरह से. देखो, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया. ये बन गया हमारे पास में chlorination. अब दूसरी reaction जो होती है, इसे कहा जाता है nitration. ठीक है? ये नाइट्रेशन वाली प्रोसेस है। अब नाइट्रेशन प्रोसेस में हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना, नाइट्रेटिंग मिक्सचर करते हैं इसको, और ये दोनों मिला के हमें क्या जनरेट करके देते हैं, ये जनरेटेड व्हाट, NO2 पॉजिटिव आयन हमें यहाँ पे जनरेट करके मिलता है, जिसे हम नाम दे सकते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। ये इस तरह से हम लोग इसे दिखा सकते हैं, देखो HONO2 ये वाला है ना HNO3, HNO3 को मैंने कैसे लिख लिया, HONO2, इसमें अगर ब्रेकिंग कर लिया तो ये इस तरह से बनाएगा हमारे पास में OH निगेटिव और यहाँ पे क्या बनेगा NO2 विद द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बेंजीन पे कौन अटैक करेगा, इन दोनों में से NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा, नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप का अटैक होता है तो NO2 पॉजिटिव बेंजीन पे अटैक करेगा। अगर सपोज मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, और इस बेंजीन पे मैंने ऑलरेडी क्या ले लिया, Cl ले लिया, तो ये कौन सी डायरेक्टिंग बन गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो यहाँ पे जब मैं HNO3 का अटैक करूंगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, दोनों भी कैसे है
कॉन्सेंट्रेटेड है, टेक केयर ऑफ दिस वन, ये मस्ट, इट मस्ट बी अ कॉन्सेंट्रेटेड, और ये भी कैसे रहेगा, ये भी रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड। अब HNO3 का अटैक करेंगे तो कौन अटैक करने वाला है, एक्चुअली NO2 ग्रुप अटैक करेगा, कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, ठीक है। सो ये बनेगा दैट इज ऑफ NO2, और ये दूसरा क्या बना यहाँ पे, दैट कैन ऑल्सो बिकम्स ऑफ दैट इज ऑफ Cl एंड दिस इज वॉट NO2, ये बना कौन सा वाला, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज ऑल्सो नाइट्रो, ये कौन सा बना, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और ये क्या बन गया, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। So, ये nitration की प्रोसेस होती है जहां पे हम लोग HNO3 यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सो वी आर हैविंग अ नाइट्रेशन। सिर्फ नाइट्रेशन करते वक्त नाइट्रो ग्रुप कहां पर अटैच होगा ये कौन डिसाइड कर रहा है, Cl, बेंजीन पे जो हैलोजन है वो डिसाइड कर रहा है। तो ये दो प्रोसेस होगी, क्लोरीनेशन और दूसरी कौन सी, नाइट्रेशन वाली प्रोसेस होगी, ठीक है। अब तीसरी प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं, तीसरी प्रोसेस में क्या होगा, वी कैन कंसिडर इट इज ऑफ सल्फोनेशन, एक सल्फोनेशन भी कर लेते हैं इसमें। तो सल्फोनेशन में क्या होगा, SO3H ये ग्रुप ऐड होता है, सल्फोनिल सल्फोनिक एसिड करके होता है, सो दैट इज बी जनरली कंसीडर्ड। ये अगर मैंने H2SO4 यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए एक्चुअली, SO3H एक पैरा प्रोडक्ट होगा और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा होगा, दैट इज ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट, दैट इज SO3H, लाइक दिस। Is it okay? तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे, इसका नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, देखो what should be the name of this compound, it must be of, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है, देखो इसके साथ में जो ग्रुप होता है ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है, ठीक है, ये क्या बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कौन सा वाला, C6H4 और SO3H, ये दोनों मिला के, मतलब बेंजीन रिंग और SO3H मिला के क्या बनाते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और उसपे क्या हो गया, क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज अ 4 क्लोरो, लाइक दिस, दिस अ 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक, या फिर पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये इसके कंपैरिजन में क्या बना, ऑर्थो, तो ये क्या बना, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस तरह से, ठीक है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ सल्फोनेशन, ये प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, सल्फोनेशन वाली प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है। अब और एक प्रोसेस आती है, फेडरक्राफ अल्किलेशन एंड फेडरक्राफ असाइलेशन वाली प्रोसेस आती है, ठीक है। तो ये और एक दो नेम रिएक्शन यहाँ पर है, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ओके। सो दिस इज अबाउट द सल्फोनेशन प्रोसेस, देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी आर हैविंग, फेडरक्राफ्ट, फेडरक्राफ्ट, इसमें दो रिएक्शन आती है, पहली रिएक्शन हम लोग लेते हैं अल्किलेशन, ठीक है, अल्किलेशन, और दूसरी रिएक्शन कौन सी रहेगी, असाइलेशन, असाइलेशन। अब ये अल्किलेशन असाइलेशन ये जनरलाइज नेम है, अब अल्किलेशन में हम लोग मिथिलेशन, अल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा ना अल्किलेशन में, अल्किलेशन में क्या होगा, अल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा, तो हम लोग मिथिलेशन करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे, ये देखो अगर सपोज मेरे पास में क्लोरीन है, बेंजीन को अटैच है, ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर मिथिलेशन करना है तो जनरली फेडरक्राफ्ट रिएक्शन में यहाँ पर रिएजेंट लिया जाता है CH3Cl, ओके। अब इसमें चेक करो कि आपको करना ये है कि यहां से हाइड्रोजन निकाल के इसकी जगह CH3 अटैच करना है, तो H कैसे निकलेगा, पॉजिटिव है ना, और CH3 जो अटैच होगा वो भी कैसा चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए, क्योंकि जब यहां से H बाहर निकलेगा तो ये पॉजिटिव निकलेगा, तो ये क्या बना, नेगेटिव, ये CH3 जब इसके साथ अटैच होगा तो ये CH3 कैसा चाहिए, पॉजिटिव, वो तो बन जाएगा, क्योंकि वैसे भी CH3 और Cl में ये क्या रहता है, डेल पॉजिटिव, और ये क्या रहता है, डेल नेगेटिव, बॉन्ड ब्रेक करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। सो दैट इज अ प्रोसेस वेयर वी जनरली गो विद द मिथिलेशन, ओके। सो हियर वी गो विद द मिथिलेशन CH3Cl, ओके। और अब Cl को अगर बाहर निकालना है तो हैलोजन कैरी करना होगा, हैलोजन को एलिमिनेट करना है, तो जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, अनहाइड्रस AlCl3। देखो फेडरक्राफ्ट में ये फिक्स है, यहाँ पे आप FeCl3 नहीं यूज करोगे, ठीक है। फेडरक्राफ्ट में हमेशा आपके पास में ये जो कैटालिस्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, अनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो फिर से एक बार, एक ऑर्थो मिलेगा और एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे बनेगा CH3
और ये दूसरी बेंजीन रिंग जहां पर सीएल के साथ में मिलेगा CH3, तो ट्वाइस ऑफ HCl, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्वाइस, दिस इज अगेन ट्वाइस, ठीक है। तो ये देखो अब ये प्रोसेस में जो बना है प्रोडक्ट, इसको नाम कैसे देंगे, ये देखो ये अगर हम लोग बेंजीन के साथ क्लोरीन यूज करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, वही बेंजीन के साथ हम CH3 यूज करते हैं तो वो क्या बनेगा, टोलीन, अभी हमने लिया था टोलीन, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बन रहा है ये बनेगा पैरेंट कंपाउंड, तो ये क्या बना, टोलीन, और ये टोलीन पे किसका सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्लोरीन का, तो ये बन गया क्लोरो। अब क्लोरो जो है मतलब ये फंक्शनल ग्रुप जो है इसके कंपैरिजन में कौन से पोजीशन पे आ रहा है, ऑर्थो या फिर टू पोजीशन पे आ रहा है, सो दैट बिकम्स अ टू क्लोरो और ऑर्थो क्लोरो टोलीन, इस तरह से, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे फिर हम लोग, पैरा क्लोरो टोलीन या फिर फोर क्लोरो टोलीन, इसमें भी वही होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर रहेगा और पैरा प्रोडक्ट मेजर रहेगा, वो स्टेबिलिटी रहती है उसकी, ठीक है। उसके बाद में असाइलेशन लेते हैं, तो फिर अब देखो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, मिथिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर लिया मिथिल, और यही मिथिल ग्रुप को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, अल्किल, तो आपने क्या कर लिया, अल्किलेशन कर दिया। अल्किलेशन में आपने पर्टिकुलरली कौन से ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर दिया, वहां पे मिथिल ग्रुप का, तो प्रोसेस कॉल्ड एज मिथिलेशन। जैसे देखो हैलोजिनेशन में हम अगर क्लोरीन यूज करते हैं तो वी कंसिडर इट इज एज अ क्लोरीनेशन, राइट। सो यहाँ पर हमने अल्किलेशन में अगर मैंने मिथिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो अल्किलेशन के हिसाब से ये क्या बन गया, मिथिलेशन हो गया, तो ये मिथिल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, मिथिलेटेड प्रोडक्ट। अब असाइलेशन में हमें असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना होगा, तो असाइल ग्रुप जो होता है वो इस तरह से यूज किया जाता है। देखो अगर मेरे पास सपोज फिर से एक बार क्लोरीन है, ठीक है, वी आर गोइंग फॉर असाइलेशन प्रोसेस, तो असाइलेशन के लिए हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, देखो RCOCl, अब ये जनरलाइज रिएक्शन होगी, तो RCOCl में ये जो ग्रुप होता है ये ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, असाइल ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर फिर से एक बार चेक करो कि मैंने अगर CCl वाला बॉन्ड ब्रेक कर लिया तो Cl क्या बना, नेगेटिव, ये क्या बना, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन किसको अटैच होगा, इस कार्बन को, क्योंकि यहाँ से क्या निकलने वाला है, H प्लस निकलने वाला है, ये बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव को कौन अटैच होगा, C प्लस अटैच होगा, और C प्लस कब अटैच होगा, जब C और Cl में क्या हो जाएगा बॉन्ड ब्रेक, तो ये यहाँ से निकल गया तो इतना ही पार्ट यहाँ पर क्या होने वाला है, अटैच होने वाला है, सो दैट इज एक्चुअली द प्रोसेस वेयर वी कंसीडर्ड एज अ असाइलेशन। ये वाला ग्रुप कौन सा होता है, इसे हम लोग असाइल ग्रुप कहते हैं, RCO, दैट इज कंसीडर्ड एज अ असाइल ग्रुप, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इफ आई गो फॉर दिस वन, ये बेंजीन है जिस पे क्लोरीन है, तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रिएक्शन करेगा, सो दैट इज ऑफ CH3COCl। अब फिर से मुझे Cl बाहर निकालना है, यहाँ पे Cl बाहर निकालने के लिए क्या यूज किया, अनहाइड्रोसिल CL3, ये भी फिडेलक्राफ रिएक्शन ही है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज करेंगे, द सेम मटेरियल, दैट इज अनहाइड्रस AlCl, ठीक है। तो अनहाइड्रस AlCl3 से क्या निकल जाएगा, Cl तो निकल जाएगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज जो रहेगा वो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे अटैच होगा, ये यहाँ पर भी अटैच हो सकता है और तो यहाँ पर भी अटैच होता है पैरा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, COCl3 और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज ऑफ COCH3, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा ट्वाइस ऑफ HCl, इसको फिर से बैलेंस कर लो, दैट इज ऑफ ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ, ठीक है। सो ये इस तरह से प्रोडक्ट बनता है, इज ओके। तो ये बना असाइलेशन वाले प्रोसेस, अभी ठीक है, असाइलेशन में जैसे यहाँ पे हम लोग इसे नाम दे सकते हैं, ये क्या बना, मिथिल क्लोराइड, है ना, तो ये असाइल क्लोराइड है, असाइल में दो कार्बन है, मतलब क्या बना वो, दैट इज ऑफ एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, इसे जनरली कहा जाता है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड भी कह सकते हो या फिर इथेनॉइल क्लोराइड, ये भी नाम इसको दिया जा सकता है, इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ इथेनॉइल क्लोराइड और एसिटिल क्लोराइड, ये नाम ध्यान रखना है, एसिटिल क्लोराइड मोस्टली ये यूज होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है ये प्रोडक्ट का नाम कैसे लिखेंगे, अब प्रोडक्ट में अगर आप चेक करते हो कि यहाँ पर ये देखो ये वाला जो बन रहा है, यहाँ से मैंने ले लिया, यहाँ सीएल को छोड़ के बाकी सब ले लिया, ठीक है, तो ये किस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, देखो ये बना एरोमेटिक रिंग वाला कंपाउंड, ये बना CO और ये CH3 माने R, तो ये क्या बना, कीटोन, है ना, ये बन गया कीटोन, ArCOR, CO को दो अल्किल या अरिल ग्रुप अटैच है, तो इस हिसाब से ये क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन गया, कीटोन बन गया, तो कीटोन क्या बना उसका पैरेंट कंपाउंड, क्लोरीन क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट, तो ये क्या बना ऑर्थो क्लोरो, और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को C6H5
COCH3, so उसे जनरली कहा जाता है that is of like this. ये इतना जो स्ट्रक्चर मैंने बताया that is of C6H4 कहेंगे हम इसे, क्योंकि एक Cl का भी सब्स्टिट्यूशन है C6H4 COCH से, इसे कहा जाता है एसीटोफिनोल, ठीक है, ये उसका नाम बना, कौन सा वाला, एसीटोफिनोल, ठीक है, तो ये भी एसीटोफिनोल बना और ये इतना जो स्ट्रक्चर है ये भी क्या बना, एसिडोफिनोन ही बन गया। इसमें क्लोरीन की पोजीशन में, इसमें क्लोरीन की पोजीशन कैसे रहेगी, यहाँ पे ऑर्थो रहेगी तो यहाँ पे पैरा, बाकी तो स्ट्रक्चर सेम ही है, ठीक है। सो ये जो प्रोडक्ट है इसे कहा जाता है एसिडोफिनोन, ये भी स्ट्रक्चर है इसे क्या कहा जाता है, एसिडोफिनोन। तो आपको एक ऑर्थो क्लोरो एसिडोफिनोन बनेगा और दूसरा पैरा क्लोरो बनेगा, उसमें से पैरा जो रहेगा वो ज्यादा स्टेबल है तो मेजर में आएगा, ऑर्थो कम स्टेबल है तो माइनर। अब ये चीज माइनर मेजर किसकी वजह से होती है, तो जनरली ये चीज इस तरह से होती है कि ये जो एडजेसेंट पोजीशंस होती है, एडजेसेंट पोजीशन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मतलब जो बल्किंग ग्रुप होता है, वो बल्किंग ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्लोरीन का और CH3 का जितना नजदीक रहेगा उतना उनमें रिपल्शन ज्यादा रहेगा, तो नेचुरली वो अनस्टेबल बनेंगे। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका और ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये दोनों एक दूसरे से कैसे है, दूर है, तो रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो नेचुरली वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, ठीक है। सो ये पांच मोस्टली रिएक्शंस बनती है क्लोरोबेंजीन के लिए, दैट इज फर्स्ट वन हैलोजिनेशन, क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन कर लो और तो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। दूसरा होता है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, नाइट्रेटिंग मिक्सर। नाइट्रेटिंग मिक्सर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, वहां पे नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन करना है, NO2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। तीसरा होगा सल्फोनेशन, जहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को यूज करेंगे और देन आफ्टरवर्ड्स इट विल गेट सल्फोनेटेड विद द हेल्प ऑफ SO3H ग्रुप, ठीक है, ऑर्थोइन पैरा द सेम प्रोडक्ट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद में आएगा ये दो नेम रिएक्शन, फ्रीडलक्राफ्ट अल्किलेशन एंड फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडलक्राफ्ट अल्किलेशन में हम लोग क्या करेंगे, CH3Cl का यूज करके मिथाइलेशन करेंगे और यूज क्या करेंगे यहाँ पे कैटलिस्ट करके एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पर असाइलेशन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, CH3COCl यूज करेंगे, असाइल ग्रुप चाहिए हमें, सो CH3COCl ये एग्जाम्पल ले लिया हमने, तो दैट इज अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो उस हिसाब से असाइल ग्रुप ही वहां पे बेंजीन पे क्या होगा, अटैच होगा, तो असाइल ग्रुप अटैच होगा तो उस हिसाब से ये क्या बनाएगा, कीटोन बनाता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग असाइलेशन करेंगे बेंजीन पे तो क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। सो ये कीटोन के प्रिपरेशन में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द प्रिपरेशन एंड द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द हैलो अरेंज, और उसमें भी हमने एक एग्जांपल दिया है, दैट इज ऑफ क्लोरोबेंजीन। लेकिन ध्यान में रखना है जब भी बेंजीन पे कोई हैलोजन आता है तो हैलोजन की लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होती है बेंजीन के साथ में, दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप करके वो काम करता है, इज इट ओके। सो मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये रिएक्शंस आती है, ठीक है। उसमें और दो रिएक्शंस हम लोग और लिख लेते हैं, देखो जैसे अगर मेरे पास में क्लोरीन है, वैसे तो शायद हमने वो हेलो एल्केन में भी डिस्कस की थी, लेकिन एक बार फिर से इसमें भी हम लोग यूज कर लेते हैं। रिएक्शन विद मेटल अगर हम लोग कर लेते हैं तो उस हिसाब से देखो कैसे होगा कि अगर यहां पर Cl है, ठीक है, और उसे मैं अगर सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करता हूं, तो जैसे हमने पूर्व रिएक्शन में यूज किया था कौन सा वाला अल्किल ग्रुप, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, अरिल ग्रुप यूज कर रहे हैं, रिएक्शन इज वेरी सेम। यहां से क्या निकल जाएगा, ये दोनों निकल जाएंगे कौन से फॉर्म में, ट्राइस ऑफ NaCl के फॉर्म में निकल जाएंगे, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये दोनों के दोनों बेंजीन रिंग जो है वो एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों देखो, ये C6H5 है ना, ये भी C6H5, ये C6H6 नहीं है, देखो एक एक हाइड्रोजन ये यहाँ पे देखो कम हो गया दोनों का, तो ये भी C6H5 है, ये भी C6H5 है, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डाइफिनिल, या फिर बाइफिनिल भी कहीं पर नाम दिया होगा, बाइफिनिल भी कह सकते हैं या फिर डाइफिनिल भी कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अगेन काइंड ऑफ रिएक्शन की जहां पर आप दो बेंजीन रिंग को डायरेक्ट एक दूसरे के साथ में अटैच कर सकते हो बाय द यूज ऑफ उर्स टाइप ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये उर्स रिएक्शन नहीं है, इसे जनरली कहा जाता है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में जैसे उर्स रिएक्शन में हम लोग अल्किल ग्रुप लेते हैं, तो फिटिंग रिएक्शन में अल्किल की जगह अरेंज ग्रुप लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की रिएक्शन रहेगी, दैट इज क्लोरोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद द सोडियम मेटल कन्वर्टेड इनटू द बाइफिनिल, वेरी पैरेलल टू द
उस रिएक्शन, जैसे उस रिएक्शन में क्या कर लिया था, RCl plus twice of Na plus ClR ले लिया सपोज यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे यूज क्या होगा, फिर से एक बार ड्राई ईथर यूज होगा, है ना। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन कर ली तो यहाँ पे क्या बना, सिमेट्रिकल अल्केन बन जाता है, हायर अल्केन बन जाता है, और क्या निकल जाता है, twice of NaCl। तो वही चीज हो गई, ये जैसे यहाँ पे हमने R R यूज कर दिया, तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, AR AR। जब R R यूज करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, उस रिएक्शन, और जब AR AR यूज करेंगे तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, फिटिंग रिएक्शन। ओके, तो ये दोनों नेम रिएक्शन पैरेलल है, सिर्फ ध्यान में रखना है कहां पर एरोमेटिक यूज हुआ है, कहां पर एलिफैटिक यूज हुआ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर सपोज एक जगह एरोमेटिक है और दूसरी जगह क्या यूज कर लिया हमने, एलिफैटिक यूज कर लिया लाइक दिस, तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो इसे जनरली कहते हैं दैट इज अ फिटिंग रिएक्शन, मतलब एक पार्ट उस का ले लिया, एक पार्ट फिटिंग का ले लिया, तो ये फिटिंग वाला पार्ट है, ये उस वाला पार्ट है, तो उसे हम लोग इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, उस फिटिंग रिएक्शन। तो यहाँ पे बायफिनिल नहीं बनेगा, यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो क्या बन गया, फिर से टोलीन, है ना, टोलीन बन जाएगा, क्योंकि फिर से यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ये NaCl निकल जाएगा और यहाँ पे बनेगा टोलीन। तो आपके पास में तीन रिएक्शन आती है, देखो तीन रिएक्शन में फिर से एक बार लिखता हूँ, शायद हमने ये हेलो एल्केन्स में भी डिस्कस की थी, एक रिएक्शन कौन सी है, उस रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन कौन सी है, उस फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, और तीसरी रिएक्शन कौन सी है, ओनली फिटिंग रिएक्शन। तो कंपोजिशन चेक करो, यहाँ पे क्या होगा, प्राइस ऑफ RCl प्लस